गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 1 की लेट फीस से रिलेटेड ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने जा रही है, क्योंकि आप लोग आए दिन ऑडिट के अंदर, स्क्रूटनी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस चीज़ को फेस करते हैं कि GSTR 1 में जो है डिपार्टमेंट आपको लेट फीस लगा दे रहा है फॉर 17, 18, 19, 20, 2021 के लिए। तो यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि समय समय पर आपको लेट फीस का वेवर जो दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को इस्तेमाल करके आप अपने नोटिसेस के अंदर जो GSTR 1 की लेट फीस लग रही है उसको कैसे रिड्यूस करा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर कर दी गई है। ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है 1 जून 2021 तक, जो कि आपको नोटिफिकेशन 4/2018 का वर्जन देखने को मिल रहा है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तसल्ली से, शांति से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करने की बात सोचिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है समय समय पर बदल दी गई। सबसे पहले GSTR 1 की जो लेट फीस है वो 100 रुपीज CGST एंड 100 रुपीज SGST, ये अब कभी नहीं लगती है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो यही कहता है कि अगर आप अपनी GSTR 1 को लेट फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद, तो आपका जो लेट फीस लगता है सेक्शन 47 में, उसके अंदर जो भी 25 रुपये से ऊपर का लेट फीस है वो माफ कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वेव हो चुका है। अगर आपकी निल की GSTR 1 नहीं है तो 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST, यानी कि 50 रुपये पर डे के ज्यादा नहीं लगेगा। 200 रुपये वाला कॉन्सेप्ट खत्म है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में फर्स्ट प्रोविजो आता है जो ये कहता है कि अगर आपकी GSTR 1 निल की नहीं है तो आपकी जो लेट फीस लगेगी ड्यू डेट के बाद। अब यहाँ चक्कर ये है ना कि नोटिसेस जो आ रहे हैं उसमें कई जगह देखा जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट्स में, ऑब्जर्वेशंस में, कि 200 रुपये के हिसाब से लेट फीस कैलकुलेट कर दी जा रही है, जो सरासर गलत है। आप इस नोटिफिकेशन को यूज कीजिए और यहाँ पर 50 रुपये के अकॉर्डिंग अपना GSTR 1 का लेट फीस पहले स्टेप में कैलकुलेट कीजिएगा, अभी नीचे जो प्रोविजोज दिए गए हैं उसको देखने के बाद। अगर निल की रिटर्न है तो 10 रुपये CGST एंड 10 रुपये SGST से ज्यादा नहीं लगेगा लेट फीस। पॉइंट नंबर 1 ये आपको समझनी है कि लेट फीस रिड्यूस हो चुकी है। इसके बाद जो सेकंड प्रोविजो है वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी GSTR 1 July 17 से लेके September 18 के बीच, जी हाँ फ्रेंड्स, July 17 से लेके September 18 के बीच की GSTR 1 की रिटर्न अगर आपने 22 दिसंबर 18 से लेके 31 मार्च 19 के बीच में फाइल किया है तो आपको लेट फीस भरने की जरूरत नहीं है। हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट से जो नोटिसेज आ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है, लेट सपोज सितंबर 17 का, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि सितंबर 17 है तो इसका ड्यू डेट होना चाहिए अगस्त 17, लेकिन आपने रिटर्न कब फाइल करी है, आपने रिटर्न फाइल करी है इस विंडो के अंदर, मान लेते हैं आपने 31 दिसंबर 2018 के समय रिटर्न फाइल करी है GSTR 1, तो आपकी लेट फीस डिपार्टमेंट लगा करके भेज रहा है, जो कि नहीं लगनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के सेकंड प्रोविजो को इस्तेमाल करके। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए नोटिसेस का रिप्लाई करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये आप लोगों को ऑडिट के समय, इंस्पेक्शन के समय काम आने वाली है। इसके बाद जो अगला प्रोविजो है वो ये कहता है कि जुलाई 17 से सितंबर 18 का जो ये एक विंडो दिया गया था, इसके बाद फिर से एक विंडो ओपन हुआ था जुलाई 17 से नवंबर 19 के पीरियड के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 17 से नवंबर 19 के पीरियड के लिए अगर आपने GSTR 1 19 दिसंबर 2019 से लेके 17 दिसंबर 2020 के बीच फाइल कर दिया है तो भी आपकी लेट फीस जो है वो पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दी गई थी। तो
तो अगर आपको नोटिस मिला है और उसमें जुलाई 17 से लेकर नवंबर 19 की जीएसटीआर 1 की डिस्क्रिप्शन है, तो अब आप चेक कीजिए कि आपने वो रिटर्न फाइल करी थी और इस विंडो के अंदर करी थी या नहीं करी थी। अगर करी है तो आप ये पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ लेट फीस जो है वो जीरो करवा सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई क्वेरी रहती है जीएसटी से रिलेटेड, तो आप हमारे जीएसटी के क्वेरी से रिलेटेड जो मेंबरशिप है, पेड मेंबरशिप, उसमें जुड़ जाइए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली कॉल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और अपनी जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज जो है वो भी डायरेक्टली पूछ पाएंगे। तो मेंबरशिप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मेंबरशिप की डिटेल्स ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स अगर आपने एनरोल करा रखा है तो जीएसटी के हर एक प्रोविजंस, रूल्स जो है वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको अगर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का बेनिफिट लेना है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो सेम नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर जो अगला है, इस विंडो तक अगर आपकी रिटर्न फाइल हो गई है 19 दिसंबर से 17 जनवरी तो लेट फीस नहीं लगेगी। अगला जो प्रोविजो है ये कहता है कि आपकी जो सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस है इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटीआर 1, अगर आपने जो ये टेबल दिया गया है मार्च 20 से लेके अप्रैल से लेके जून 20 तक का, इस कोरोना पीरियड के आपकी जीएसटीआर 1 है, तो आप इस पर्टिकुलर डेट तक मार्च 20 की रिटर्न 10 जुलाई, अप्रैल की रिटर्न 24 जुलाई, मई की रिटर्न 28 जुलाई, जून की रिटर्न 5 अगस्त, जनवरी से मार्च की क्वार्टरली जीएसटीआर 1 17 जुलाई और अप्रैल से जून की 3 अगस्त तक अगर फाइल करके बैठे हैं, ड्यू डेट के बाद भी करा गया है, तो नोटिसेस में तो ड्यू डेट तक देखा जाता है, उसमें नोटिफिकेशन नहीं देखा जाता। नोटिफिकेशन आपको देखना है रिप्लाई देते समय। जी हाँ फ्रेंड्स, रिप्लाई देते समय आपको ये बात देखनी है कि एक्चुअली आपका लेट फीस जो है वो लगना भी चाहिए या नहीं। अगर आपने 10 जुलाई से पहले कर दिया है तो लेट फीस का ही बात की, नहीं लगेगी लेट फीस, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो प्रोविजो है ये बेसिकली जून 21 ऑनवर्ड्स अगर आपका नोटिस आया हुआ है जीएसटीआर 1 के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 1 की इन टोटैलिटी जून 21 ऑनवर्ड्स जो भी लेट फीस है वो रैशनलाइज कर दी गई है। कैसे? जो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका निल है, मैक्सिमम 500 रुपए लेट फीस लगेगी, 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी। अगर जून 21 ऑनवर्ड्स आपके पास नोटिस आया है जिसमें इसके ऊपर लगा हुआ है लेट फीस निल के केस में, तो आप उसको क्वैश करा सकते हैं। इसके बाद वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अदर देन दोज कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1, यानी कि आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक था और आपकी निल की जीएसटीआर 1 नहीं है, तो मैक्सिमम 1000 रुपए सीजीएसटी, 1000 रुपए एसजीएसटी के तहत आपको लेट फीस लगेगी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आपकी करंट की निल रिटर्न नहीं है जीएसटीआर 1, तो 5000 रुपए मैक्सिमम जो है वो लेट फीस लगेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है GSTR 1 के ऊपर आपको ये दिया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे वीडियोस के अंदर आपको 3B, GSTR 9, 4 हर एक से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशंस इसी प्रकार से शेयर किए जाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके साथ अगर ऐसा नोटिस आ रहा है या आप इस परेशानी में हैं तो आपको इससे निजात मिल सके। अगर आप अपनी GST रिटर्न सही तरीके से फाइल करना चाहते हैं पूरे मैचिंग के साथ, तो आप हमारे रिकंसिलिएशन टूल को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। एज एन अकाउंटेंट आपको पूरे साल का अकाउंट्स एक बार में बनाने में मदद मिलने वाली है। हमारे पास एक्सेल टू टैली का जो फंक्शन है जिसमें आप पूरे साल की अकाउंट्स 2 घंटे के अंदर बना सकते हैं, बैंक टू टैली 1 घंटे में पूरा बैंक आपका तैयार हो जाता है, ऐसे ऐसे फीचर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो टूल्स के लिए भी आप सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए जो हमारी मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन्स के लिए भी आप सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।